नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों, PSPL यानी पंजाब बिजली बोर्ड में 2632 पोस्टों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो इन्होंने पोस्टों की डिटेल में एक वीडियो तुम्हें पहले प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो अज की वीडियो में आप क्लर्क के सिलेबस रिलेटड टॉपिक वाइज जानेंगे किहड़े किहड़े टॉपिक विचों क्लर्क के एग्जाम विचों क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यह तुहाडे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो क्लर्क का सिलेबस मैनशन किया हुण आप देख लैंदे हां कि इन्होंने सिलेबस विचों टॉपिक्स किहड़े इंपोर्टेंट ने। तो सब तो पहला स्टेटिक करंट अफेयर एंड जीके बारे इन्होंने मैनशन किया हुआ सिलेबस में। स्टेटिक करंट अफेयर एंड जीके के टॉपिकों में मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो आप कंप्लीट करने वास्ते हिस्टरी रीड करनी पवेगी, जियोग्राफी, इंडिया की इंडियन पोलिटी, साइंस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में तुम्हें देखने को मिलेंगे। इस तो अलावा वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट अवार्ड्स केड़े अवार्ड किसी कदों किमें मिले से क्यों मिले से इस रिलेटड आपको जानकारी होनी चाहिए। इस तो अलावा स्पोर्ट्स बारे कि गेम कि खेड कि शहर कंट्री कदों खेडी गई, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस तो अलावा बुक्स एंड ऑथर फेमस बुक्स होंदिया ने उन्होंने नाम पूछ लेंगे ज उन्होंने राइटर के नेम क्वेश्चन पूछने को मिल सकते हैं। इस तो अलावा एनवायरमेंट कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब इस रिलेटड मैं तुम्हें एक वीडियो पहला प्रोवाइड करवा चुका मेरे चैनल तुम देख सकते हो। एंड करंट अफेयर रिलेटड भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर रिलेटड मैं तुम्हें एक अलग तो एक बुक रैकमेंड कर दी ना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। यह लेटेस्ट एडिशन बुक है, मार्केट में तुम्हें नहीं मिलेगी, इस करके अमेजॉन से तुम ऑर्डर कर सकते हो। इस तो अलावा सैकेंड सिलेबस की गल करिए, इन्होंने कंप्यूटर अवेयरनैस रिलेटड भी सिलेबस दसा हुआ। तो इस विच आपां कंप्यूटर की जानकारी लिए आपां नूं की कुछ पढ़ना पवेगा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मैमरी, डाटा रीप्रजेंटेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटाबेस कॉन्सेप्ट, इस तो अलावा डाटा कम्युनिकेशन एंड नैटवर्किंग, इंटरनेट एंड इट्स सर्विस, कंप्यूटर सिक्योरिटी। दोस्तों, ये सारे टॉपिक जिहड़ी मैं वीडियोज़ में दस रहे हैं इन्हों सिर्फ देखो ना, अपनी नोटबुक पर नोट कर दो सारे सिलेबस एंड टॉपिक वाइज यूट्यूब पर या बुक विचों रीड करना स्टार्ट करो। जिम्मे तुम्हें कंप्यूटर इतने टॉपिक वाइज सिलेबस दसाया, सब तो पहले आप स्टार्ट कितों करना, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर रिलेटड सर्च मारोंगे तुम गूगल पर या यूट्यूब पर, तो काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी क्लासेस तुम्हें वीडियोज़ के रूप में देखने को मिल जाएंगी। पूरी इनफॉर्मेशन कलैक्ट करो, अपनी नोटबुक में लिखो, जो तुम्हें यह लगता है कि फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है उस तो बाद सैकेंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर बारे सर्च करो और जिनी भी इनफॉर्मेशन मिलती है नोटबुक में लिखते रहो। एंड 2016 तो बाद पंजाब जिन्हें भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं उन्होंने एग्जाम्स जिहड़े भी कंप्यूटर रिलेटड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो उन्होंने PDF फाइल तुम परचेज़ करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुम यह परचेज़ कर सकते हो। इस PDF फाइल में दोस्तों 2016 तो लैके 2020 तक के जिहड़े भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन्होंने जिहड़े भी कंप्यूटर रिलेटड क्वेश्चन आए जे जां रिपीट हुए हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, वह सारे क्वेश्चन इनकलूड किए गए हैं इस PDF फाइल में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट PDF हो सकती है। इस तो बाद रीजनिंग की गल करिए, रीजनिंग में आपू मेन मेन टॉपिक स्टडी करने हैं, सब तो पहले एनालॉगी, क्लासीफिकेशन, लॉजिकल अल्फाबैट एंड नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग रिलेटड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सीरीज रिलेटड आते हैं, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यह भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ काफ़ी क्वेश्चन इन्हों तीन चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इस अलावा पढ़ने तो आप सारे टॉपिक ही पैणगे दोस्तों, बट मेन मेन टॉपिक तुम्हें मैं दस देना इस विचों। इस अलावा आपां नूं कि वेन डायग्राम रिलेटड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, डिक्शन एंड डिस्टेंस रिलेटड, इस तो अलावा सीटिंग अरेंजमेंट रिलेटड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, पजल्स एंड डाटा सफिशेंसी रिलेटड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनने। यह सारे मेन जिहड़े मैं टिक मार लगाई है, सारे मेन टॉपिक ने, बट यह भी जिहड़े 21 टॉपिक्स ने आपां नूं एक बारी दिमाग विचों कढ लैने होणगे तां ही एग्जाम क्वालीफाई होवेगा अपना। एंड देखो दोस्तों, जो तुम PSPL क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड बेस्ट बुक तुम्हें नहीं मिल रही कि बुक में पढ़ो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तीन बुक्स के लिंक दिए हुए हैं। यह तीन बुक्स जी एग्जाम क्वालीफाई करने काफ़ी इंपोर्टेंट ने। फर्स्ट बुक में पूरा सिलेबस कवर किया हुआ, सैकेंड बुक कंप्यूटर रिलेटड ने जोड़े भी कंप्यूटर रिलेटड क्वेश्चन बनते हैं वह कवर है, तो थर्ड बुक में पंजाब की GK कवर है। यह तीन बुक तुम बाय कर लोगे तो ईजीली इस एग्जाम को क्रैक कर दोगे। एंड दोस्तों, मैं सारी लेटेस्ट एडिशन बुक तुम्हें रैकमेंड करता हूँ क्योंकि इन्हों बुक्स में मैं भी पढ़ता हूँ, तो मैं भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहा, करके मैं कोई गलत बुक तुम्हें गाइड नहीं कर सकता, इसलिए
ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਪਸ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਯਾਨੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ 4-5 ਜਾਂ 3-4 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। HFC ਤੇ LMC ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਸੀਮਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਐਂਡ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ, ਏਵਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਨ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਨ ਏਜਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ, ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਪਾਈਪ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਸ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੀਮਸ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਂਟੋਨੀਮਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਕੰਪ੍ਰਹੈਂਸਿਵ ਅਤੇ ਸਨੋਨੀਮਸ, ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਰਡਰਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਅਰੋਰਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਓਰਡਰਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡ ਇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇਹ 9 ਟੋਪਿਕਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਉਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GK ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GK ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ।